आज हमारे बीच में माइकल लामा जी उपस्थित हैं शिवसेना प्रदेश कार्यालय में, जो पिछले कई वर्षों से शिवसेना से जुड़े हैं और मेरे PSO भी रहे हैं और अभी भी मेरे PSO हैं। हमें गर्व है कि जयंत नाथ रेड्डी इंटरनेशनल ताइक्वांडो एकेडमी ने इनको सम्मानित किया है और ये वहाँ से चैंपियनशिप जीती है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये सर्टिफिकेट माइकल लामा जी को दिया गया है। और इनको वाइस प्रेसिडेंट मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया है, ये उसका सर्टिफिकेट है। हमें गर्व है माइकल लामा जी पर कि वो एक शिवसैनिक हैं और उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। दिल्ली सरकार से मांग करता हूं, शिवसेना दिल्ली की ओर से, कि इनको वो सभी बेनिफिट्स दिए जाएं जो एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं। ये गौरव का विषय है और दिल्ली को गर्व होना चाहिए। दिल्ली सरकार से मांग करता हूं और हम लिखित में भी मांग करेंगे। अभी मैं CCN न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करता हूं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से, कि इनको सम्मानित किया जाए सरकार की ओर से। आज इनको प्रदेश कार्यालय में एक शिवसैनिक के रूप में, हमें गर्व है कि एक शिवसैनिक इतना बड़ा सम्मान लेकर आए हैं, चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, मेडल लेकर आए हैं, तो इस गर्व को महसूस करते हुए आज हमने इनको यहाँ पर आमंत्रित किया। शिवसेना टीम उपस्थित है यहाँ पर, हमारे पदाधिकारी, प्रदेश सचिव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, ऋषि खत्री जी, हितेश मेहरा जी, हरिचंद कदम जी, इनकी उपस्थिति में शिवसेना दिल्ली की ओर से मैं इनको सम्मान देता हूँ और सम्मानित करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ एक बार फिर से कि इन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी करें और आगे इनके भविष्य में इनके जीवन यापन के लिए जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो इनको दिए जाएं, ऐसी मेरा मांग है। धन्यवाद। माइकल जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है आपका नाम दर्ज किया है और वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया है इसी लिए। मैं ये आशा करता हूँ कि जो मेरे पास एक तो जगह नहीं है ट्रेनिंग कराने की, मैं चाहता हूँ कि गरीब बच्चों को जो जिनके पास फीस नहीं है उनको भी मैं सिखाऊँ और एक अच्छा सा कोई मुझे मतलब छोटा मोटा कोई सेंटर ऐसा मिल जाए ताकि मैं वहाँ प्रैक्टिस वगैरह बच्चों को कराता रहूँ। यही मेरी मांग है दिल्ली सरकार से और मैं गरीब आदमी हूँ, किराए पर रहता हूँ मैं, क्योंकि एक जैसे भी आदमी मतलब नहीं कर पाता, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे को जो शिवसेना ने काफ़ी मेरा साथ दिया है और मतलब इन्होंने काफ़ी मुझे बैक भी किया है। मुझे अभी मैं जो गया था खेलने के लिए तो मेरे को हैदराबाद भेजा, तो अभी शिवसेना ने ही मुझे सारा मेरा हिसाब किताब पूरा किया और उन्होंने ही मेरा काफ़ी साथ दिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज कार्यालय में जो आया, मैं साहब ने मुझे बुलाया, मैं बहुत गर्व की बात है कि आप मेरा इतना सम्मान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका करता हूँ। थैंक यू।